फंटास्टिक पीआईटी चिकन टिक्का समोसा है, इसमें पिज्जा समोसा है, रोल है, शाही रोल है, ठीक है। तो हम बल्क में भी देते हैं, हमारी बेकरियों में, बहुत सी बेकरियों में कराची के अंदर सप्लाई है। जी शहजाद, आज कहाँ पे लेके जा रहे हैं आप हमें? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इलियास भाई, चले आज हम आपको एक बहुत मशहूर निम्को वाले के यहाँ ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोगों का भीड़ बहुत लगा हुआ है, भीड़ भाड़ बहुत है। ये हम आपको लेकर आए हुए बॉम्बे निम्को की तरफ। बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इनके पास है और आज रश की खास वजह। वैसे तो अमूमन रोजाना ही रश होता है, मगर ये हमारे जिगरी दोस्त भी है। तो पहले हम आपको इनका तारुफ करवाते हैं और उसके बाद ये बताते हैं कि क्या क्या प्राइजेज है। और ये है कि आप देख सकते हैं बॉम्बे निम्को यहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत मशहूर है हमारे इलाके में भी, दूर दूर से भी लोग यहाँ खाने के लिए आया करते हैं। तो जी, आप पहले हमारे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम है। आज माशाल्लाह से शबे बारात का रोजा है, इस वजह से स्टॉल लगा हुआ है पूरा। समोसे, रोल, पकोड़े, चिकन चीज रोल, चिकन चीज समोसे, आलू के समोसे, पकोड़े, आलू के मिर्चे मिल जाएगी, चिलोस मिल जाएंगे, दही बड़े है, चने है, जलेबी है, अमरती है। आप सलीम व्यूअर्स को एड्रेस बता देंगे दुकान का? ये बिल्कुल, आप अगर मेन रोड से आएंगे यूसुफ प्लाजा के नीचे मेहराज स्वीट के बिल्कुल सामने आता है ये बम्बई निम्को है, ये 1982 से यहाँ पर है। तो सलीम भाई, अब ये बताइए यहाँ की सबसे ज्यादा खास बात क्या है? खास बात ये है सर, ये बस एक टाइम से चलता हुआ आ रहा है, हम इसको चला रहे हैं, एक टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ये लोगों की मोहब्बत है, इनका प्यार है, इखलाक है, जो अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, इन्होंने हमारे को इतनी इज्जत दी है। ये बता सलीम भाई, थोड़े प्राइसेस को गाइड कर देंगे क्या प्राइसेस? सर वही रेगुलर प्राइस। जलेबी क्या पाव है? जलेबी सर 120 रुपए पाव मिल जाएगी सर। और अपने ये पकोड़े 120 रुपए पाव सर, मिक्स पकोड़े होते हैं, उसमें मिर्ची भी आ जाती है, आलू वाले भी आ जाए, पकोड़े भी आ जाते हैं। इसमें आलू का समोसा जो है वो 35 रुपए का एक है, कीमे का समोसा जो है वो 30 रुपए का है, चिकन रोल जो है वो 35 रुपए का है। इसमें फिर आपको पिज्जा समोसा मिल जाएगा, आपको ये इसमें चिकन चीज समोसा मिल जाएगा, ये मलेशियन चिकन कबाब है, ये बीफ के कबाब है, इसमें चिकन रोल है, ये लॉलीपॉप है, इसमें शाही चिकन रोल है, इसमें चिकन स्टिक मिल जाएगी, इसमें ड्रम स्टिक मिल जाएगी, आपको दही बड़े मिल जाएंगे, चिकन चीज रोल मिल जाएंगे। क्यों हिला डाला ना? जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। नाम तारुफ बताया और यहाँ की सीक्रेट बताया कि यहाँ पे रश का क्या क्या वो है, मैजिक क्या है? मैजिक नॉर्मल डे में भी जब मैं आता हूँ तो यह रश होता है, आज तो हद से ज्यादा रश है। बात करने का टाइम नहीं, सलीम मैंने तो हमें खाली प्राइस की गाइड की, वो भी ऐसे की इसे स्टिंग पीकर आया मैं बिल्कुल जोश में। माशाल्लाह, ये कि एक टाइम से बाप दादा होगा हमारा बिजनेस है और 1982 से हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो उस तरह की रेसिपियां चलते हुए आ रही है। और माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हर चीज एक साफ तेल के अंदर और एक क्वालिटी मेंटेन की हुई है, जिसकी वजह से कस्टमर माशाल्लाह हमारे पास आता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तरह की निम्को की वैरायटी मौजूद है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको सर्वे करवाता हूँ कि मौजूद है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स चेवड़े, दाल मोठ, चना दाल, गाठिए, कड़क गाठिए, सेवैया, फलियाँ, नरम गाठिए और भावनगरी गाठी है, शक्कर पारे, नमक पारे, दालें, बूंदियाँ और फुलकियाँ, तमाम तर वैरायटियाँ मौजूद है निम्को की। और यकीन जाने के सब का सब फ्रेश आइटम है और मेरा खास कबाब भी मौजूद है जो बचपन से हमारा फेवरेट है। आप देख सकते हैं कि स्लिम चिप्स मौजूद है, नमक वाले मौजूद है और मसाले वाले मौजूद है, काली मिर्च वाले मौजूद है। यहाँ पे खास जो ये बहुत कम देखने को मिलता है, हैदराबादी पापड़ कहते हैं हम जुबान में, आप क्या कहते हैं, ये भी मौजूद है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। रमजान के लिए बूंदियां हैं, ये जैसे कि ये बेसन की बूंदी होती है, हमारी प्योर बेसन की बूंदियां होती है, इसको गर्म पानी में डालने की नीड नहीं होती है। जैसे लोग वो करते हैं कि अंदर से कच्ची रह जाती है, गुठलियां रह जाती है, हमारी बूंदियां गुठलियां नहीं रहेगी, नॉर्मल नल के पानी में डाले सही है ना, और इसको आधा घंटा तक आप भिगो दें तो ये एकदम फूल जाएगी। और ये फुलकियाँ होती है, ये इंस्टेंट बूंदियां है, ये डायरेक्ट दही में डलती है, डायरेक्ट दही में डलती है, इसको पानी में डालने की जरूरत नहीं है। इसमें दो तरह की बूंदी होती है, एक मसाले वाली होती है, कड़ी पत्ते वाली और एक सादी होती है। इसको आपको पानी के अंदर बॉइल नहीं करना है, इसको आधा घंटा पहले आप
दही के अंदर डाल दें, दही थोड़ा सा पतला कर दीजिएगा लस्सी की तरह और उसको दही के अंदर डाल दें। इसी की तरह इसकी छोटी पापड़ी होती है हमारी बॉम्बे पापड़ी, इसके अंदर बेहतरीन स्पेगेटी, इसके अंदर चाट के अंदर बिल्कुल छोटी पापड़ियाँ बच्चे बहुत पसंद करते हैं, हल्के मसाले वाली होती है ये, बच्चे बड़ी पापड़ियाँ नहीं खाते हैं। जैसे कि ये पापड़ी भी डलती है इसके अंदर दही बड़ों के अंदर, और बाकी फैनी वगैरह है, खजला वगैरह है रमजान के लिए, इसके लिए फिर दही बड़ों के हमारे स्पेशल मसाले ये दही बड़ा, ये दही बड़ा मसाला है जो दही बड़ा हमारा अपना बना हुआ है, और ये चाट मसाला है जो हमारा निम्बू का स्पेशल मसाला। ठीक है भाई, मुझे आप ये बताएं कि अमूमन इसकी प्राइसेस क्या है, मिक्स निम्बू के क्या प्राइसेस है, क्या पाव? जैसे कि 880 रुपए 220 रुपए पाव है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास पाव की पैकिंग होती है, जैसे लोग करते हैं 200 ग्राम की पैकिंग, हमारे पास पूरी 250 ग्राम की पैकिंग होती है, पूरा एक पाव होता है, जो हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई घर वाले बोलते हैं एक पाव ले आओ, तो हमारे पास एक पाव ही होता है, हमारे पास 200 ग्राम नहीं होता या 100 ग्राम नहीं होता, हमारे पास निम्को छोटा निम्को आधा पाव होता है और बड़ा निम्को 250 ग्राम होता है 220 रुपए का। और नौशाद भाई मुझे ये बताया, अगर कोई पार्टी वगैरह के लिए बल्क में जैसे हमारी बेकरियों में, हाँ जैसे हमारी बेकरियों में सप्लाई है वो होलसेल रेट्स पे, फिर उनके 5-5 किलो के बैग होते हैं, बड़े बैग्स होते हैं, हमारे उसके भी सप्लाईज है, हम फूड पांडा पे भी अवेलेबल है। आप डिस्काउंट दिया करते हैं उनपे? जी जी, हमारे होलसेल के रेट ही अलग है, जो बेकरी वाले हैं वो भी लेते हैं और फिर वो भी बेचते हैं, तो उनको भी प्रॉफिट चाहिए, तो हम बल्क में भी देते हैं, जैसे हमारी बेकरियों में बहुत सी बेकरियों में कराची के अंदर सप्लाई है, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन हमारी बहुत सी बेकरियों में सप्लाई है। और नौशाद भाई एक मिनट, मुझे ये बताइए सारा का सारा निम्को आपके यहीं पे तैयार होता है? नहीं नहीं, आपका कहीं कारखाना वगैरह? नहीं नहीं जी, हमारी फैक्ट्री, हमारी शफीक मोड़ पे फैक्ट्री है, सेना हमारा सारा प्रोडक्ट वहीं बनता है हर चीज। तो इंशाल्लाह हम एक बार विजिट करवाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल विजिट कराएंगे आपको, हम फूड पांडा पे भी अवेलेबल है, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट भी है bombaynimkos.com। आप हमें ये बताया कि मैंने सुना आपने नया एडिशन भी लॉन्च किया, फ्रोजन आइटम भी रखते, तो आप मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा फ्रोजन आइटम में क्या चीज सेल होती है और क्या क्या आपके पास वैरायटी है? फ्रोजन आइटम्स हम वो रखते हैं जो सारे रेगुलर आइटम्स है, जैसे कि चिकन वन बाइट है, इसी के अंदर वन बाइट है, इसी तरह वन बाइट छोटे पोटेटो होते हैं, वन बाइट बीफ मिल जाते हैं, फिर चिकन समोसे हैं, चिकन समोसे, चिकन चीज समोसे होते हैं, चिकन डी समोसे होते हैं, जैसे कि चिकन चीज समोसे हैं, रेगुलर आइटम सारा हमारे पास फ्रेश होता है बिल्कुल फ्रोजन। ये सीख कबाब है चिकन में, इसी तरह इसके प्राइस क्या मिल जाएंगे? ये 580 का पैकेट है, आधा किलो का, इसके अंदर 12 पीस होते हैं तकरीबन। और ये क्या फिश रखा हुआ आपने? नहीं, नगेट्स, ये चिकन नगेट्स है, 520 का पैकेट है, आधा किलो का पैकेट है, इसके अंदर 24-25 पीस होते हैं। इसी तरह चिकन शामी कबाब है, इसमें बीफ शामी कबाब भी है, चिकन लॉलीपॉप है, चिकन टिक्का समोसा है, इसमें पिज्जा समोसा है, रोल है, शाही रोल है, ये छोटे शाही रोल होते हैं जो घर के और उसके हिसाब से बिल्कुल फ्राई हो जाए, जिसमें जैसे ये चीज बॉल है, चिकन चीज बॉल है, सारा आइटम्स हमारे पास मिल जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर ये चिकन डी समोसे होते हैं जिस बच्चों के लिए हम बनाते हैं, जिसके अंदर अनियन नहीं होती है, बिल्कुल ब्लैक पेपर पे होता है हल्की, तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं, बेहतरीन। चीजें ऐसी है कि बिल्कुल फ्रेश फ्रोजन बनाते हैं, हमारा फ्रोजन होता है लेकिन फिर फ्रेश फ्रोजन होता है, ऐसा नहीं है कि दो दो महीने तीन तीन महीने का फ्रोजन रखा हुआ होता है, बिल्कुल फ्रेश फ्रोजन होता है हमारे पास। ठीक है, आप देख सकते हैं नाजरीन हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी भी मेंशन की गई है जी? जैसे ये बताया गया 2023 चौथे महीने में एक्सपायर है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कम अमूमन निम्को वगैरह पर देखी जाती है, तो आप इंशाल्लाह यहाँ जरूर आए। आप आओ, ये टेस्ट करो, सारा आइटम्स वगैरह हमारा चेक करो, एक एक आइटम मैंने निकाल के दिए आपको। आप ये क्या चीज है नौशाद भाई? ये मैक्रोनी समोसा है, जरा पहले सबसे पहले ये ट्राई करके देखते हैं, मैंने नहीं ट्राई किया अभी तक, चिकन में है ये, आप देखें फुल चिकन भरा हुआ है, बेहतरीन। तो चले व्यूअर्स, मैं भी आपको उसका जायका तमाम चीजों का चेक करके बताता हूँ, और मेरे साथ जो मेरे दोस्त यार है वो भी आपको चेक करके पूरा इसका रिव्यू देते हैं, तो कैसी चीज है, कैसा जायका है और क्या क्या क्वालिटी है। तो इलियास भाई आप चेक करें सबसे पहले, दो मिनट जरा, कौन कौन सा यूआईबी भाई में, ये बच्चों का तो फेवरेट होना चाहिए क्योंकि इसमें किसी भी किस्म के स्पाइसेस नहीं है और ये बिल्कुल हेल्दी है। आप 48 चिकन भी है, मैक्रोनी भी है और ग्रीन वेजीज भी इसके अंदर 47 जबरदस्त। तो
थोड़ा आइए, तो चले हम जरा और भी चीजों को ट्राई करें। चीज बॉल का जायका टेस्ट करके बताते हैं कैसा है ये। जी भाई ये कौन सा है? बहुत ज्यादा क्रिस्पी, ये 49 है, बहुत ज्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल चीज का जायका आ रहा है, जो बिल्कुल जूसीनेस होती है वो अंदर से और आउटर साइड से बहुत ज्यादा क्रिस्पी है। वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, फैंटास्टिक पीआईटी। नाज़िम जरा मैंने वादा किया था कि जलेबी टेस्ट करके बताएंगे, सब जलेबी आप दो ना, आप दो ना। बस इतना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा दिल आपका सर, बहुत ज्यादा चाशनी वाली है और बहुत ही गर्म है इस वक्त और मजा आ गया। आप हमें हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आपकी दुकान की टाइमिंग क्या है? अच्छा एक चीज तो हमने बताई नहीं, हमारी दूसरी ब्रांच भी है धोराजी पे, जुबेद हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने की साइड पे, अपोजिट साइड पे हमारी धोराजी पे दूसरी एक ब्रांच है, हमारी दो ब्रांच है। अच्छा बॉम्बे निम्को तो बहुत नाम से लोग स्टार्ट करते हैं, अपना अपना नाम कॉपी पेस्ट करते थे, लेकिन हम बॉम्बे निम्को सेंटर के नाम से हैं, तो ये याद रखिएगा कि बॉम्बे निम्को सेंटर वाली ब्रांच हमारी है। टाइमिंग ये है कि हमारी दुकान के टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से रात 11 बजे के, और यही टाइमिंग जब रात रमजानों में भी यही रहते हैं, लेकिन जब चांदरात नजदीक आ जाती है या जैसे रमजान की चांदरात है इससे 2 दिन पहले, तो हमारे 12 या 2 बजे तक हमारी शॉप खुली रहती है। Please like, share and subscribe. Our channel be Flickers, official. Press the bell icon for new videos. At Flickers.